BJP spokesperson Sambit Patra, speaking on the Chhattisgarh visit of the Prime Minister, said that with PM in the commander's chair, soon Naxalism will be a thing of the past. Sambit Patra said for the first time in 30 years, a Prime Minister had visited a Naxal-infested area. He said the message of the PM was loud and clear that Naxals must take up the plow instead of guns. देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. ऐतिहासिक इसलिए है कि 30 वर्षों के बाद कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज दंतेवाड़ा जैसा क्षेत्र जो कि एक नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ गए हैं. और जिस प्रकार से एक बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यह सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि शांति से बड़ा कुछ भी नहीं है और तमाम जो नक्सली बंधु हैं उनको हल अपनाना चाहिए और बंदूक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा. देखिए ये केजरीवाल जी की पुरानी आदत रही है कि हर बात को एक ड्रामा के रूप में, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना और उसमें से क्रेडिट लेने का प्रयास करना. जहाँ तक 1984 सिख दंगों का सवाल है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही उसके लिए लड़ाई लड़ी है. 84 से ही आम आदमी पार्टी का गठन हाल फिलहाल में ही हुआ. उन्होंने तो ये कहा कि वो SIT का गठन करेंगे, मगर आज होम मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को इस पर राजनीति करने से रोकने को कहा है और कहा है कि आपने SIT के गठन की बात कही थी, मगर अभी तक SIT का गठन नहीं हो पाया है इतने महीने बीतने के बाद भी. यही दर्शाता है कि उनकी मानसिकता में केवल राजनीति लिखी है, काम करना नहीं. Powered by NNIS.